सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संगीता जाधव है, मैं घाटकोपर मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की कुछ गवाही है जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। समय जब यीशु में नहीं थी तभी मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, रुकावटें थी, बहुत ही बैड कंडीशन थी। जैसे ही मैंने प्रॉफिट सिलेंदर मट्टू मिनिस्ट्री को फॉलो किया है, वैसे ही मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने वाली मैं, परमेश्वर ने मुझे एक नर्स का दर्जा दिया और मेडिकल लाइन में मुझे काम करने का मौका मिला है। उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे अपना काम दे दिया। परमेश्वर के काम करते करते मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, यहाँ तक कि मेरे घर के लोगों ने मेरा विरोध कर दिया, सताव कर दिया, लेकिन परमेश्वर इतने दयालु है कि ना मुझे हटने दिया, ना मुझे गिरने दिया। जिस लायक मैं नहीं थी उस लायक मुझे परमेश्वर ने बना दिया। ये सारे चमत्कार परमेश्वर के दास प्रॉफेट सिलेंदर मट्टू जी उनके प्रार्थना के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हो गए मेरे जीवन में। कोरोना काल में लॉकडाउन के दरमियान फेसबुक के माध्यम से लाइव प्रार्थना में परमेश्वर के दास प्रॉफेट सिलेंदर मट्टू जी ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम सेम नहीं रहोगे, तुम बदल जाओगे, तुम्हारे हाथ से मिरेकल होंगे। जैसे जैसे उन्होंने कहा था वैसे वैसे मेरे जीवन में होता गया। मेरा प्रेयर जीवन बदल चुका है। आधा घंटा प्रेयर करने वाली मैं 2 से 2.5 घंटा प्रेयर करती हूँ। और जिन जिन बीमारों के लिए मैं प्रेयर करती हूँ वो बीमार चंगे होने लगे हैं। मेरी आत्मिक उन्नति हो चुकी है। इस सारे चमत्कारों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और प्रॉफेट सिलेंदर मट्टू जी का कोटि और करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। सो वेल डन। अगर आपके भी जीवन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है, ऐसे कुछ रुकावटें हैं, तो आप भी प्रॉफेट सिलेंदर मट्टू मिनिस्ट्री को फॉलो कीजिए और परमेश्वर के दास प्रॉफेट सिलेंदर मट्टू जी से प्रेयर लीजिए। जैसा मेरा जीवन बदल गया है वैसा आपका भी जीवन बदल जाए। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गोपाल है, मैं मुंबई नाला सुपारा का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं प्रॉफेट सिलेंदर मट्टू जी को मेरे भाई गोविंद के दोस्त फ्रेडी ब्रदर के द्वारा मिला। उनको मिलने से पहले मेरे जीवन में कई प्रॉब्लम्स थी। मेरा फिट्स किया ट्रीटमेंट चालू था अराउंड 2004 से, जिसे एपिलेप्सी और मिर्गी कहते हैं। मैं दवाइयाँ खा रहा था, एक गोली सुबह एक गोली शाम में मुझे लेनी पड़ती थी, जिसका अराउंड मंथली खर्चा 2 से 2.5 हज़ार रुपये हो जाता था। और फिर मैं परमेश्वर के दास जब बॉम्बे आए थे प्रार्थना में कुलाबा में, उन्होंने वहाँ पे मेरे लिए प्रोफेसी की कि मेरी फिट की बीमारी से मैं चंगा हो रहा हूँ और मेडिसिंस जो मैं कंटिन्यूस ले रहा हूँ उससे मैं आज़ाद हो रहा हूँ। मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया मेरे लाइफ में और उस दिन से आज तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई है। इस चंगाई के लिए मैं परमेश्वर के दास का, प्रॉफेट सिलेंदर मट्टू जी का और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि परमेश्वर के दास फिर मार्च में 8 मार्च को बॉम्बे आए थे और उन्होंने प्रार्थना के दौरान मिरेकल मनी की प्रोफेसी की। उन्होंने मिरेकल मनी कमांड किया और मैंने उस प्रोफेसी को मेरे जीवन में रिसीव किया
और इस लॉकडाउन के दरमियान मेरे जीवन में 1.5 लाख रुपए की मिरेकल मनी हुई, इसके लिए मैं परमेश्वर के दास और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा काम करते हैं। जिस तरह प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है इस गवाही से, मेरी विनती है खुदा से कि प्रभु यीशु मसीह आप सबको भी कई गवाहियों से, बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।